तो भाई कार फॉर सेल आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर गेम है। आज के इस वीडियो में मैं इस गेम के 5 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे अगर आप जान लेते हो तो पैसे तो बहुत सारा कमाओगे, साथ ही अपने स्किल को भी काफी तेजी से बढ़ा सकते हो और इस गेम को खेलने की जो एक्सपीरियंस है ना काफी तगड़ा हो जाएगा, यूं कहो तो एकदम प्रो हो जाओगे। अच्छा तो आ जाओ शुरू करते हैं। गेम के अंदर जब हम पहली बार आते हैं तो हमें ये छोटी सी ऑफिस छोटी सी जगह मिलती है, जहां पर एक गाड़ी इस तरफ खड़ी कर सकते हैं और दूसरी गाड़ी इस तरफ खड़ी करके सेल कर सकते हैं। लेकिन इसमें तुम पूरे 24 से ज्यादा गाड़ी खड़ी करके सेल कर सकते हो। क्या बात कर। उसके लिए तुम्हें अपने ऑफिस को एडिट करना पड़ेगा, जिसमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। सबसे पहले तुम्हें आगे का फेंस हटाना है और इसको हटाने के बाद तुम चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो अगर अपने ऑफिस को रखना चाहते हो। बट अगर तुम 24 से ज्यादा गाड़ी खड़ी करके सेल करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें कुछ इस तरह से एडिट करना पड़ेगा, जिसमें तुम्हारा ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। तो डरने की बात नहीं है, कम पैसे में ये सब हो जाएगा, जिसमें तुम 24 से भी ज्यादा गाड़ियों को खड़ी करके सेल कर सकते हो। स्किल पॉइंट बढ़ाने का बेस्ट तरीका क्या है? तो देखो, जब तुम एक गाड़ी को परचेस करते हो तो उससे तुम्हें 10 स्किल पॉइंट मिलते हैं। अगर तुम स्किल पॉइंट को बढ़ाना चाहते हो तो गाड़ी परचेस करो और उसे सेल करो। सेल करने से तुम्हें नहीं मिलेगा, बस परचेस करने से मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, तुम परचेस करोगे तो सेल करना ही है, तो परचेस करो सेल करो, जिससे तुम्हें बहुत सारे स्किल पॉइंट मिल जाएंगे और बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। स्किल पॉइंट मिलने के बाद हमें फर्स्ट टाइम कौन कौन से स्किल पॉइंट को अनलॉक करना है वो आप जान लो, क्योंकि फर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सही स्किल पॉइंट को अनलॉक करने का। देखो, जब तुम्हें फर्स्ट स्किल पॉइंट मिले तो तुम्हें क्या करना है, इस बार्गेन को अनलॉक करना है, जिसे तुम कस्टमर से 1000 से लेके $5000 तक का बार्गेन कर सकते हो। दूसरा स्किल पॉइंट मिले तो तुम्हें इसको अनलॉक करना है, जिससे तुम्हें कार की डिटेल्स वगैरह शो करेगा। और तीसरा स्किल पॉइंट मिले तो तुम्हें इस बेटर बार्गेन को अनलॉक करना है, ठीक है। और उसके बाद जब तुम्हें तीसरा मतलब चौथा मिले तो तुम यहाँ पर ये जो एम्प्लॉय है इस दोनों को अनलॉक करना है, इन दोनों को, ठीक है। उसके बाद कुछ भी अनलॉक करो, जब तक आप यहाँ तक आओगे तब तक चीजें बदल जाएंगी, पैसे बहुत सारे हो जाएंगे, स्किल पॉइंट भी बहुत सारे हो जाएंगे। अगर आप ज्यादा और फास्ट पैसे कमाना चाहते हो तो उसके लिए गाड़ी की जो प्राइस है उसको डबल से तिबल रखो। जैसे कि अगर आपने किसी गाड़ी को $30,000 में खरीदा है तो उसको $70,000 या फिर $80,000 रखो या फिर 1,00,000 रखो, जिससे कस्टमर आएगा तो ज्यादा ही पैसे देगा और तुम उससे बार्गेन करवा के और ज्यादा पैसे ले सकते हो। तो ये बेस्ट तरीका है ज्यादा और फास्ट पैसे कमाने की। ड्रैग रेस पे जो बंदे होते हैं वो बहुत कम बिट लगाते हैं भाई रेस करने के, लेकिन अगर तुम उनसे ज्यादा बिट लगवाना चाहते हो तो उनके पास जाओ और बार बार रिक्वेस्ट करो, मतलब उनके पास जाओ और बार बार ई प्रेस करो, तो वो अपनी बेट चेंज करते रहेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि गुस्से में वो अपनी कार ही बेट पे लगा देंगे, है ना कमाल की बात। तो जाओ अभी रेस करो। आपको इनमें से कौन कौन से टिप्स पहले से पता थे मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना भाई कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।